गाइस वेलकम बैक टू चैनल सुपर सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है तो उत्तराखंड की गाइडलाइंस आ चुके हैं एक बार फिर से नई स्कूल कॉलेजों को लेकर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे कब बंद होंगे कब तक बंद है कब खुलेंगे तो आज की इस वीडियो में स्कूल कॉलेज के बारे में देखेंगे साथ ही साथ नाइट कर्फ्यू और भी जो गाइडलाइंस चेंज हुई है उन सभी पर नजर डालेंगे इससे पहले आपको क्या करना है चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना है साथ में बेलाइकन को प्रेस ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए ही कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी की गई है चुनाव आयोग के निर्देशानुसार राजनीतिक दलों को रैली की कोई छूट नहीं दी गई है तो रैली को लेकर जो पहले गाइडलाइंस थी वो सेम रहेंगी सभी पाबंदियों को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है तो नाइट कर्फ्यू नाइट में रात दस बजे से अगले दिन सुबह छह बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू अवधि में जिन सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों दुकानों कार्यालयों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर व कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल के तहत कार्य करने की छूट थी वो एज इट इज रहेगी जैसे कि मेडिकल वाले हैं या फिर कोई मेडिकल स्टोर ओपन है तो इस तरीके की इमरजेंसी सर्विस सर्विसेज जो है वो है, वो ओपन ओपन रहेंगे जैसे डाइन इन की सर्विसेज है है रात तक तक लेट तक होती है, तो उस के लिए मार्केट ओपनिंग की बात करें तो समस्त जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है बाजार जो है वो सुबह छह बजे से रात दस बजे तक ही खुले रहेंगे राज्य के समस्त जिम शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल स्पा सलून थिएटर ऑडिटोरियम मीटिंग हॉल आदि इनमें से संबंधित समस्त गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे राज्य में स्विमिंग पूल वाटर पार्क 31 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे राज्य खेल खेल संस्थान स्टेडियम व के मैदान खिलाड़ियों के, के परीक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे खेल संस्थान स्टेडियम व खेल के मैदान को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रचलन विधि खेल विभाग द्वारा अपने सतर से की जाएगी विवाह समाप्त सॉरी विवाह समारोह एवं शव यात्रा में जो वेन्यू है बंद या खुले स्थान के अकॉर्डिंग पचास प्रतिशत क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी और इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाएगा राजनीतिक रैली या धरना प्रदर्शन की दिनांक 31 जनवरी 2022 तक अनुमति नहीं होगी होटल रेस्टोरेंट भोजनालो या ढाबों को लेकर 50 प्रतिशत क्षमता व कोविड प्रोटोकॉल के तहत डाइनिंग के संचालन के लिए अनुमति होगी खाद्य पदार्थों की टेक अवे व होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल स्पा और जिम का उपयोग कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ पचास क्षमता के साथ किए जाने की अनुमति होगी उपरोक्त दिए गए प्राविधान को छोड़कर अन्य मनोरंजन शैक्षिक सांस्कृतिक समारोह की गतिविधियों राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित इंडोर मीटिंग में, में अधिकतम 300 व्यक्तियों या फिर स्थान होल की क्षमता का 50 प्रतिशत व्यक्तियों से जो भी न्यूनतम हो और उतने ही प्रतिभागियों के साथ आयोजित करने की अनुमति रहेगी ठीक है इसके अलावा राजनीतिक दल खुले मैदानों पर कोविड नाइन्टीन संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन की शर्तों को मानते हुए जो भी मैदान है उनकी क्षमता के पचास प्रतिशत और ज्यादा से ज्यादा पचास व्यक्ति जो भी कम हो उनके अकॉर्डिंग ही मीटिंग हो सकती है राज्य में आंगनबाड़ी केंद्र और कक्षा बारहवीं तक के सभी शैक्षणिक संस्थान दिनांक इकतीस जनवरी दो तक बंद रहेंगे इस दौरान सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही चल पाएंगी भारत सरकार व राज्य सरकार की निकाय के निकाय द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी शासकीय कार्यालय एवं विभागों में कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में अगर हम बात करें तो दिनांक 13 जनवरी 2022 को जो गाइडलाइंस आई थी वो एज इट इज रहेंगी देश भर में बढ़ते हुए कोविड 19 के मामलों को देखते हुए जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थान पर्यटन स्थल बाजार बस स्टैंड रेलवे स्टेशन मंडी शामिल और अन्य भी स्थानों पर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसी सामाजिक दूरी न पहनना यानी कि मास्क न पहनना और सामाजिक दूरी ना बरकरार रखना हाथों को सैनिटाइज न करना इन सब चीजों को क्या करना है सख्ती से पालन करवाया जाएगा तो आप जितना हो सके सैनिटाइजर का प्रयोग करें मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें कोविड के नए वेरिएंट ओमिक ओमिक्रॉन से के लिए लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी और नए ओमिक्रॉन से बचाव हेतु प्रत्येक राज्य में कोविड नाइन्टीन के, के निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा सार्वजनिक स्थान कार्यस्थल सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को मास्क का उपयोग करना अनिवार्य है सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि छह फीट की दूरी का प्रयोग करना अनिवार्य है सरकार सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान है सार्वजनिक स्थानों पर पान गुटका, तंबाकू आदि का सेवन भी प्रतिबंधित रहेगा तो ये थी दोस्तों गाइडलाइंस जो आपकी 31 जनवरी तक लागू रहेंगी इसी तरीके से हर हाँ स्टेट की गाइडलाइंस और देश प्रदेश से जुड़ी खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके आज के इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे थैंक यू सो मच बाय टेक केयर